आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले आपने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था दो वेक्टर्स का, आज हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि दो वेक्टर प्रोडक्ट, जो दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां पर आप देखिए डायग्राम में, ये एक्स एक्सिस पे हमने वेक्टर ए लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे वेक्टर बी लिया हुआ है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी होगी दैट मीन्स कि अब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमको बताना पड़ेगा। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो मॉड ए मॉड बी, दोनों वेक्टर्स के मॉड की वैल्यू, देन साइन ऑफ एंगल ए एंड बी, मतलब दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल के साइन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड के पार्ट को, और ये यूनिट वेक्टर एन उसकी डायरेक्शन को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी है। तो ये पार्ट उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर प्रोडक्ट के, और यूनिट वेक्टर एन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हमने इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है ये डायरेक्शन को। तो ये आपको क्लियर हो गया कि वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होने से इसमें एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पार्ट आएगा। सो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा दैट मीन्स एंगल बिटवीन दीज टू, जिसको इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, और यूनिट वेक्टर एन उसमें वेक्टर ए और बी के वेक्टर चेंज की डायरेक्शन को यहां पर शो किया जा रहा है यूनिट वेक्टर एन से, दैट मीन्स ये यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अभी हम देखें ये कौन कौन से लॉ को फॉलो करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डजंट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये इसके इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आपको मालूम है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, लेकिन जब बी क्रॉस ए की वैल्यू निकालेंगे आप तो वेक्टर बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा बिटवीन बी एंड ए यूनिट वेक्टर एन, दैट मीन्स कि बी डॉट ए की जो डायरेक्शन है वो आपको इस डायरेक्शन में, मतलब की ये v की अगर ये डायरेक्शन है तो ये माइनस v की डायरेक्शन मिलेगी। माइनस v दैट मीन्स कि अभी आपका ये एंगल था इन बिटवीन b डॉट a, b और एंगल a के बीच का, जिसकी डायरेक्शन अब ये थी, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव साइड देखेंगे तो डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग कि b क्रॉस a इक्वल्स टू हमको मिलेगा माइनस साइन ऑफ a मॉड बी साइन ए बी यूनिट वेक्टर एन। दैट मीन्स कि हमको मैथमेटिकली अगर इसका हम एक्सप्रेशन देखें तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होगा माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, इसीलिए कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डजेंट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो ये हमको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसलिए ये साइन नेगेटिव आएगा। तो डायरेक्शन, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा से डायरेक्शन आपको नेगेटिव मिलेगी यहां पर। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ को कैसे फॉलो करेंगे, एसोसिएटिव लॉ दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, इसको जब सॉल्व करके देखेगा तो हमको मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, दैट मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि दोनों के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि वेक्टर ए थीटा की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री दैट मीन्स कि साइन 90 इक्वल्स टू 1। दोनों एंगल यदि परपेंडिकुलर है तो उसमें मिलेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू रखें सो मॉड ए मॉड बी साइन 90 डिग्री यूनिट वेक्टर एन, साइन 90 डिग्री बिकम 1, तो ये हमको मिलेगा ए बी, इसकी वैल्यू साइन 90 इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि हम यहां पर अगर इसको देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमको मिलेगा यूनिट वेक्टर एन, दैट मीन्स कि उसका परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू, वेक्टर ए की अभी वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, और वेक्टर बी अगर हम ले तो आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड, ये दो वेक्टर्स लिया है। तो आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इनका मिलेगा
ए बी यूनिट वेक्टर एन, दैट मीन्स कि यूनिट वेक्टर आई क्रॉस बी यूनिट वेक्टर जे दैट इज परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के मिलेगा हमको। ये जो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स के डायरेक्शन। सो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये आपको हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तब आपको ये लगेगी कि I क्रॉस J इक्वल्स टू K, दैट मीन्स इन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरी डायरेक्शन, J क्रॉस K इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन I, और K क्रॉस I इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर J। तो ये तब आता है हमको वैल्यू जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हम देखें कि यदि दोनों के बीच में बनने वाला एंगल यदि पैरेलल हो, दैट मीन्स कि दोनों थीटा की वैल्यू यदि जीरो हो, तो थीटा जीरो होने से साइन जीरो आपको मिलेगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। दैट मीन्स कि यदि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये हमको मिलेगा मॉड ए मॉड बी साइन जीरो यूनिट वेक्टर एन, दैट मीन्स पूरी वैल्यू हमको यहां पर जीरो मिलेगी। दैट मीन्स कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इक्वल्स टू जीरो, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई इक्वल्स टू जीरो, और वेक्टर सॉरी आई क्रॉस अगर सेम हमने देखा है, दैट मीन्स आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जीरो, जे क्रॉस अगर दोनों वेक्टर सेम हैं तो जे दोनों की यूनिट वेक्टर्स आपको मिलेंगे, तो के क्रॉस के इक्वल्स टू जीरो ये आपको मिलेंगे जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल है एक दूसरे के। अभी मैं इसका फिजिकल अगर हम देखें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्रॉस प्रोडक्ट का हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको मालूम है लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स कब इम्प्लीमेंट होता है कि जब कभी कोई कंडक्टिव मटेरियल है जिससे करंट फ्लो हो रही है और आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होता है, इस वजह से उसमें लॉरेंस फोर्स इम्प्लीमेंट होगा। तो लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स जो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है क्यू वी क्रॉस बी के, बी है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक वेक्टर है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और ये लॉरेंस फोर्स ये एक दे रहा है आपको वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि लॉरेंस फोर्स जो है वो एक स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है जिसकी जो वैल्यू होगी क्यू वी बी, इसके जो वैल्यू आती है वो मिलती है क्यू वी बी इंटू कॉस थीटा, दैट मीन्स इन दोनों के बीच के एंगल के थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया वो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था टॉपिक। थैंक यू।